दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। इस महामारी के दौर में जब एक पार्टी विशेष राम मंदिर के भव्य निर्माण, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के चक्कर में बड़ी बड़ी कार्यवाहियाँ कर रही हैं, कोर्ट कचहरी कर रही है, वहीं कुछ बहुत ही सुखद रिपोर्ट जो आ रही हैं ऐसे लोगों को जो धर्म की आड़ लेके अपना व्यापार जमा रहे हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। बात करते हैं मुंबई के मलाट की, वहाँ के शाहनवाज की, शेख की, उनका नाम पूरा नाम शाहनवाज शेख है, जिन्होंने अपनी 22 लाख की SUV गाड़ी को सिर्फ इसलिए बेच दिया कि वो ऑक्सीजन आपूर्ति करा सकें सभी लोगों को। उन्होंने उन्हें मलाड में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, वो एक फ़ोन कॉल पर उसके पते पर ऑक्सीजन भेज देते हैं। ये उन्होंने सिस्टम बनाया है। अब तक वो 4,000 लोगों को सिलेंडर दे चुके हैं ऑक्सीजन का और उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। वहीं मुंबई के दूसरे हैं जाकिर चौहान और इंदौर के जफर मंसूर, वो ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। जाकिर चौहान के जो रेड क्रिसेंट नाम की एक संस्था मदद कर रही है इसमें देने की, उसके वॉलंटियर घर घर जाकर सिलेंडर मुहैया कराते हैं। अगर आप फ़ोन करके उनसे कह देंगे तो वो घर पर भेज देंगे। वहीं इंदौर के जो इंडियन इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी के MD है, जफर मंसूरी साहब उनका नाम है, वो अपनी कंपनी को ही ऑक्सीजन के उत्पादन में उन्होंने लगा दिया है, पूरे कन्वर्ट कर दिया है और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। ये सब मुसलमान कर रहे हैं, देखने की बात है, सारे मुसलमान कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, मुसलमान हिंदू भाइयों के शवों की भी अंत्येष्टि कर रहे हैं, जो हिंदू वॉइस आपके पास खबरें देता रहा है हरदम। यानी बेझिझक मानवता की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर लव जिहाद, उन्हीं के ऊपर तबलीग जमात कोरोना फैला रही है, ऐसे इल्जाम लगते हैं। वही एक भोपाल के दानिश और सद्दाम हैं, उन्हें हिंदू शवों का संस्कार करते हैं जिनको उनके घर वाले छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे 60 दाह संस्कार वो कर चुके हैं। तेलंगाना के कोटा पतली गांव के एक मैं कोरोना की मौत के बारे बाद उसके एक अंतिम संस्कार को दो युवा मुसलमान आ गए क्योंकि उनके घर वालों ने उसको करने से मना कर दिया था। उनके नाम है शफी और अली, उन्होंने पूरी धार्मिक रीत रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं कि जो हमारे देश की जो एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए हुए हैं, मजबूत बनाते हैं। वरना चंद लोगों ने तो सोचा है कि इसको बिल्कुल मटिया मैट कर दिया जाए, नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आप दिल्ली की पुरानी दिल्ली में जाइए, जहाँ जहाँ कारखाना लगे हुए हैं पुरानी दिल्ली के, जिनको हर दम ऑर्डर आते रहते हैं कि उजाड़ दिया जाएगा उजाड़ दिया जाएगा, उन कारखानों ने जहाँ बेल्डिंग वगैरह के काम होते हैं उन्होंने काम बंद करके और ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू कर दिया है। आप फ़ोन कीजिए, इस रमज़ान के दौरान युवक लगे हुए हैं, वो आपके घर पर सिलेंडर पहुँचा देंगे। अगर आपके पास सिलेंडर नहीं तो सिलेंडर खरीदवा के आपसे कहीं से सस्ता उसमें भर के पहुंचा देंगे। वो काम जो सरकार नहीं कर पा रही है, वो काम मुसलमान दिल और जान से कर रहे हैं, लेकिन वही इल्ज़ाम आता है कि देशद्रोही है। क्यों जय श्री राम नहीं कह पाते हैं? अरे जय मानवता तो कह रहे हैं, मानवता को तो पूज रहे हैं, मस्जिदें खाली कर दी हैं, उनमें अस्पताल बना दिए हैं। आपने रामनवमी के दौरान पूरे नवरात्रों के दौरान मंदिर नहीं बंद कर पाए, उन्होंने अपनी मस्जिदें बंद कर दी, तरावियां नहीं होगी और क्या कर लें। लेकिन देशद्रोही हैं, उनको रहा हर सुर उठ के सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो सच्चे देशभक्त हैं। उन लोगों को देना पड़ता है जो देशभक्ति के नाम पर लूटपूट और लव जिहाद के नाम पर मुसलमान नौजवानों को जेलों में डलवा रहे हैं। ये क्या होगा आगे चल के?
लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी आ रहे हैं, ये वतन मुसलमानों का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने ही लिखा था, दूसरे ने नहीं लिखा था। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।